आप लोग जब जिम में जाके वर्कआउट करते हैं तब आपने ये महसूस किया होगा जो आपके मसल थे वो पहले से ज्यादा पंप हो गए हैं, उनमें ज्यादा विजिबिलिटी, ज्यादा वैस्कुलरिटी आ गई है और आप ये चाहते हैं कि आपकी ये वैस्कुलरिटी, ये विजिबिलिटी थोड़ा ज्यादा टाइम तक बनी रहे, तो उसके लिए आप एल आर्जिनिन ले सकते हैं। एल आर्जिनिन लेने के बाद यह आपकी बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसका काम होता है आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं, तो डायलेटर, ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, आपकी जो वेन्स होती है उसे ओपन कर देता है एल आर्जिनिन, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो पहले से काफी फास्ट हो जाता है, जिससे कि आपकी मसल्स में अच्छा पंप आता है, अच्छी वैस्कुलरिटी आती है। सो यू ब्यूटीफुल पीपल, अगर आप पहली बार भी हेल्दी इंडिया पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो देखने को मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। एल आर्जिनिन एक सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है, मतलब ये आपकी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस कर सकती है। उसके लिए कुछ फूड्स आते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जैसे कि रेड मीट, मटन, चिकन, सैल्मन, किडनी बीन्स, ये सारे फूड्स हैं जिसमें एल आर्जिनिन पाया जाता है। ये बहुत ही कम होती है, एग्जांपल अगर आपको 1 ग्राम एल आर्जिनिन की जरूरत है तो उसके लिए आपको 1 kg मटन खाना पड़ेगा, और 1 kg अगर मटन खाएंगे ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है और आपको सैचुरेटेड फैट, जो बैड फैट है, वो आपकी बॉडी में इंक्रीज हो सकता है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम ये सप्लीमेंट ऐड करते हैं जिससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और हम हमारा जो भी गोल है मसल को लेके वो हम पूरा कर सकें। एल आर्जिनिन को मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उन पेशेंट्स को जिनको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है, इसको लेने के बाद उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से उनकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उन लोगों को भी एल आर्जिनिन दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके MRP की, तो इसका जो MRP है ये 35 रुपीज़ 60 पैसा है। अगर आप इसे केमिस्ट से खरीदने जाएंगे तो ये आपको 30 रुपीज़ में मिल जाएगा और इसे आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक सर्विंग की प्राइस हुई सिर्फ 15 रुपये। सिर्फ 15 रुपीज़ में आप वैस्कुलरिटी पा सकते हैं सिर्फ 1 से 2 वीक के अंदर, बहुत ही फास्ट इसका रिजल्ट आता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। वैसे तो एल आर्जिनिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा खुल के सामने नहीं आया है, बट फिर भी अगर आप एक दिन में 5 से 10 ग्राम से ज़्यादा ले लेते हैं, ओवर ले लेते हैं, तो फिर उसमें आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है और वीकनेस आ सकती है। तो आप इसे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और अच्छा होगा कि अगर आप इसे शाम होने के बाद ज़्यादा ना लें, शाम को 7 बजे के बाद, बिकॉज ये आपके बॉडी में ब्लड फ्लो तो बढ़ाता ही है, साथ में आपका जो माइंड होता है उसमें भी ब्लड फ्लो होगा, तो आपको सोने में स्लीपिंग प्रॉब्लम आ सकती है। और तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप आपकी बॉडी में वैस्कुलरिटी देखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको आपके बॉडी के फैट परसेंटेज को कट डाउन करना पड़ेगा, मतलब आपको सिंगल डिजिट में लाना पड़ेगा। अगर आप सिंगल डिजिट में नहीं ला सकते तो कम से कम मिनिमम 15 तो होना ही चाहिए आपके बॉडी का फैट परसेंटेज, तभी जाके आपको वैस्कुलरिटी दिखेगी। बिकॉज अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा हैवी है और उसके बाद में आप एल आर्जिनिन भी ले रहे हैं, आपके मसल भी नहीं दिख रहे, तो वेंस कहाँ से दिखेंगी, आपको वैस्कुलरिटी तो दिखने का सवाल ही नहीं होता। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप थोड़ा सा आपका वेट कम कीजिए, फैट लॉस कीजिए, बॉडी फैट कम कर सकते हैं, मिनिमम 15 तक लेके आइए, उसके बाद अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा फास्ट रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। खुश रहो, सलामत रहो, हिंद, वंदे मातरम।